11 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता अनिल मेहता ने अपनी सोसाइटी की छठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। इस मामले को लेकर हिंदी सिनेमा सहमा हुआ है। इंडस्ट्री के तमाम फिल्मी सितारे मलाइका के पिता के घर पहुंचे हैं। साथ ही दुख की घड़ी में सोशल मीडिया पर भी कई सेलिब्रिटीज ने एक्ट्रेस का साथ दिया। अब इस मामले में मलाइका अरोड़ा की सहेली और द बंकिंग ऑफ मर्डर्स एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने काम को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। बी टाउन में मलाइका अरोड़ा और करीना कपूर की दोस्ती की किसी से नहीं छिपी। कई मौके पर अपनी दोस्ती की मिसाल कायम करने वाली इन दोनों अभिनेत्रियों की नजदीकियां एक दूसरे से काफी ज्यादा हैं। ऐसे में अब जब मलाइका के पिता ने सुसाइड कर अपनी जान गंवाई है, उस स्थिति में करीना ने अपनी सहेली का दुख बांटा है। जी हाँ, दरअसल रिपोर्ट्स की मानो तो करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म द बंकिंग ऑफ मर्डर से संबंधित सभी इवेंट को उनकी टीम की तरफ से फिलहाल के लिए टाल दिया है। जहां तक गुरुवार को भी मुंबई में बेबोई की इवेंट का हिस्सा बनना था, लेकिन एक्ट्रेस उसका भी हिस्सा नहीं बन पाई। इस तरह से करीना कपूर ने मलाइका अरोड़ा के पिता के निधन को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये कथन करीना के इस एक्शन से एकदम सही साबित होता है। मालूम हो कि अनिल मेहता की खुदकुशी के बाद करीना तुरंत ही मलाइका के पेरेंट्स के घर पहुंची। लंबे समय बाद करीना कपूर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार हैं। निर्देशक हंसल मेहता के डायरेक्शन में बने वाली करीना की अपकमिंग फिल्म द बंकिंग ऑफ मर्डर 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 100 न्यूज की रिपोर्ट।